कोटद्वार के गाड़ी घाट के झूला पुल के दो पक्षों में किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए तो वहीं 1 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं वे सभी लोग पुताई का काम करते थे और मृतक व्यक्ति जब आरोपियों से पैसे लेने गया तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। अभी 1:30 बजे करीब दिन के 4 लोग आए थे यहाँ पे ना, तो 3 तो यहाँ भर्ती करा दिए गए हैं सर्जन और ऑर्थोपेडिशन के अंदर, 1 उनमें से एक्सपायर हो गए हैं, मल्टीपल इंजरीज थी उन्हें, तो अब वो PM के लिए जाएगी बॉडी। क्या नाम है सर? डॉक्टर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से राजकीय बेस हॉस्पिटल पहुंचाया। उपचार के दौरान 55 वर्षीय अशरफ की मौत हो गई और घायलों को उपचार चल रहा है। दो पक्षों की लड़ाई को गंभीरता को देखते हुए बेस हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपी व्यक्ति अवैध रूप से स्मैक और शराब बेचते हैं और इन लोगों ने फावड़ा हथौड़ी से मारने लगे और हमें मार मार कर घायल कर दिया। हाँ, अभी पता लगा था, ये अभी 1.5 घंटे पहले कि दो पक्षों में झूलाबस्ती में कोई झगड़ा हुआ आपस में, तो मौके पर पुलिस गई, वो देखे तो झगड़ा हुआ था वहाँ पर, 3 लोग कुछ घायल थे, उनको तत्काल झगड़ा को शांत करने के बावजूद यहाँ हॉस्पिटल लाई गया, जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। अभी फिलहाल मौके पर हमने टीम भेज रखी कि उनका झगड़ा का कारण क्या है वो भी जाँच कर रही है। अभी किसी के साथ अभी कोई तहरीर तो आई नहीं, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी, जाँच के बाद पता लगेगी वास्तविकता क्या है। नहीं, ये हम मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, इस चीज के संबंध में डॉक्टर ने तो ऐसे कुछ बताया नहीं किसी ने भी, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो वहीं कोटद्वार CO ने बताया कि दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ जिसमें 1 पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। कोटद्वार से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।